डिजिटल रुपया, ये नाम आपने पिछले कुछ दिनों में कई बार सुना होगा। क्या ये बिटकॉइन की तरह काम करेगा या फिर आरबीआई से कंट्रोल करेगी? इसे कैसे यूज कर सकेंगे, इसमें और यूपीआई में क्या अंतर है? चलो इस वीडियो में हम डिजिटल रुपया के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखो डिजिटल रुपया, ईरूपी और सीबीडीसी, ये तीनों एक ही चीज है। इस पूरे वीडियो में मैं इनमें से कोई भी नाम बोलूं तो कंफ्यूज नहीं होना है। डिजिटल रुपया आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई एक डिजिटल करेंसी है। सिंपल भाषा में यह समझो कि यह कागज वाली करेंसी का डिजिटल फॉर्म है। अब ई रूपी को आरबीआई ने लॉन्च किया है तो यह पूरे देश में हर जगह पर लागू होगा, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन। सबसे पहले हम यही जानते हैं कि आरबीआई इसे कब और क्यों लाना चाहती है। 2017 की बात है जब क्रिप्टो करेंसी इंडिया में पॉपुलर हुई थी। क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल भी सेफ नहीं थी, इसीलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसके उपयोग को कम करने के लिए और इंडियन करेंसी यानी इंडियन रूपी को डिजिटल फॉर्म में लाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में तय किया गया कि सीबीडीसी पर पूरा ध्यान दिया जाएगा बिना किसी थर्ड पार्टी क्रिप्टो करेंसी की मान्यता के बिना। अब आरबीआई ने फ्यूचर के सीबीडीसी पर जोरों शोरों से काम शुरू कर दिया। 16 दिसंबर 2020 को ई रूपी के टेस्ट को शुरू किया गया जिससे ये पता लगाया जा सके कि इसे कितना नुकसान होगा और कितना फायदा होगा। 29 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पर रोक लगाने का एक प्रस्ताव दिया और सीबीडीसी को विकसित करने के लिए कानूनी सहायता दी गई। यूपीआई से प्रेरणा लेकर सीबीडीसी को एक नया नाम दिया गया, डिजिटल रुपया। 2021 की करेंसी और फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार सीबीडीसी को डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा बिना किसी बैंक को डाटा शेयर किए बिना। आरबीआई अभी भी चर्चा में है कि सीबीडीसी को सेंट्रलाइज सिस्टम में रखा जाए या फिर डीएलटी यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी में। सेंट्रलाइज सिस्टम उसे कहते हैं जिसमें किसी पर्टिकुलर डाटा को एक जगह पर स्टोर करके रखा जाता है और इसे हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। डीएलटी का मतलब होता है डाटा को हर एक कंप्यूटर में रखना जिसे हर कोई देख पाए। ई रूपी को ट्रांसफर करने के लिए बैंक अकाउंट और इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट और स्मार्टफोन नहीं है वो भी इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। ई रूपी को 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया था लेकिन इसका यूज कुछ टाइम पहले ही शुरू किया गया है। अभी भी कुछ लोगों को ही इसका ट्रायल एक्सेस मिला है लेकिन धीरे धीरे सभी के पास यह आ जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि जब भारत के पास पहले से ही यूपीआई जैसी एडवांस मनी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है तो भारत सरकार इसे क्यों लॉन्च की है, इसमें और यूपीआई में क्या फर्क है, इसे लॉन्च करने से क्या फायदे मिलेंगे। ई रूपी खुद एक डिजिटल करेंसी है जो लेन देन को सक्षम बनाती है जबकि यूपीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से डिजिटल रूप में लेन देन होती है। जब हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो किसी एक पर्सन के बैंक अकाउंट से पैसे करते हैं और जिसको भेजते हैं उसके बैंक में ऐड होते हैं। यूपीआई से पेमेंट करने पर सिर्फ दो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चेंज होती है, एक में डेबिट होता है और दूसरे में क्रेडिट होता है जबकि ई रूपी में ऐसा नहीं है। ई रूपी में जैसे हम कैश में पेमेंट करते हैं उसी तरीके से नोट या फिर कॉइन में इसमें पैसे ट्रांसफर होते हैं। जैसे हम किसी पर्सन को 500 रुपए भेज रहे हैं तो जो 500 रुपए हमारे पास में थे जिनके ऊपर कागज वाले नोट की तरह गवर्नर के सिग्नेचर, नोट के नंबर भी साथ में ही ट्रांसफर होंगे। जो पहले हमारे पास डिजिटल फॉर्म में 500 रुपए का नोट था वो अब दूसरे के पास चला गया। सोचने वाली बात यह है कि जब पहले से ही यूपीआई जैसी सरल टेक्नोलॉजी है तो इसे लॉन्च करने की क्या जरूरत पड़ी। देखो जब हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो हमारा डाटा किसी थर्ड पार्टी ऐप जैसे फोन पे, गूगल पे और पेटीएम के पास स्टोर होता है। दूसरा कारण है यूपीआई से पेमेंट करते वक्त बैंक अकाउंट और वॉलेट की जरूरत पड़ती है लेकिन ई रूपी से पेमेंट करने पर किसी भी बैंक अकाउंट और वॉलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कई लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो उनको भी बैंकिंग इकोसिस्टम से जोड़ा जा सकेगा। ई रूपी लाने से जो हजारों करोड़ रुपए मनी प्रिंटिंग और मनी मैनेजमेंट में खर्च होते थे उनको बचाया जा सकेगा। ई रूपी का पूरा रिकॉर्ड एक सर्वर में रिकॉर्ड रहेगा जिससे मनी मैनेजमेंट में आसानी होगी। कागजी मुद्रा में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसका रिकॉर्ड नहीं रहता था, कोई भी किसी को ही दे देता था जिससे कालाबाजारी बहुत ज्यादा मात्रा में होती थी। चलो अब ये जानते हैं कि इसे कैसे यूज कर सकेंगे। वैसे तो ई रूपी कोई फिजिकल करेंसी नहीं है, ये आरबीआई के किसी सर्वर में एक कोड की तरह स्टोर रहेगी। अब सभी लोग आसानी से समझ पाए इसीलिए आरबीआई ने इसके चित्र भी जारी किए हैं। ई रूपी में सबसे छोटा कॉइन रहेगा 50 पैसे का, इसके बाद 1 रुपए का कॉइन, 2 रुपए से लेकर 2000 के नोट देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से कागजी मुद्रा पर गवर्नर के सिग्नेचर, नोट के नंबर और आरबीआई लिखा हुआ मिलता है उसी तरीके से इसके ऊपर भी लिखा हुआ मिलेगा। ई रूपी को इस्तेमाल करने के लिए डिजिटल रूपी ऐप की जरूरत पड़ेगी जो सभी बैंक की अलग अलग होगी लेकिन सभी ऐप का यूआई एक जैसा देखने को मिलेगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये अभी सभी के लिए उपलब्ध नहीं है। अगर आपके पास बैंक की तरफ से इनविटेशन आ गया है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास इनविटेशन आ गया है तो आप अपने मोबाइल नंबर से इसमें रजिस्टर कर सकते हैं और जैसे यूपीआई में हम क्यूआर
कोड और मोबाइल नंबर से पैसे भेजते हैं उसी तरीके से इसमें भी ऐसा ही होगा। इसे पेमेंट करने के लिए चाहे तो आप नोट सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अमाउंट भर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ कॉइन और नोट में पेमेंट होगा। नोट को हम सेलेक्ट करके जिसको भेज रहे हैं उसके पास वही नोट जाएगा। ये भी जान लो कि बिटकॉइन और इसमें क्या फर्क है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है जो पब्लिक ब्लॉकचेन का यूज करती है, वहीं ईरूपी एक सेंट्रलाइज्ड करेंसी है जो प्राइवेट ब्लॉकचेन का यूज करती है। ईरूपी को आरबीआई देख सकती है और इसे आरबीआई ही कंट्रोल करती है, लेकिन बिटकॉइन को कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं करती है, तो इसकी कोई इंटरेस्टिंग वैल्यू भी नहीं है। चलो अब ये देखना है कि ये यूपीआई को रिप्लेस कर पाती है या फिर नहीं। ई रूपी के बारे में आपकी क्या राय है, इसका इनविटेशन आपको आया है या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।